हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौम्या खत्री और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। मैं करने वाली हूँ लेंसेज की अनबॉक्सिंग। मैंने मंगाए हैं ओ लेंस से, इंस्टाग्राम पे एक पेज है ओ लेंस के नाम से, मैंने वहाँ से मंगाए हैं लेंसेज 6 मंथ्स वाले। तो वो मैं भी आप लोगों के साथ करूँगी अनबॉक्स और आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे निकलते हैं। फिर मैं उनका डेमो भी आपको देने वाली हूँ और वो कैसे रहते हैं आगे वो कुछ आवर्स के बाद भी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस जो कि है इन लेंसेज से रिलेटेड, जिसमें कि क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था मेकअप करना तो मैंने लेंसेज में यूज़ करती थी फ्रेश लुक के। तो हुआ क्या कि पहले मैं वन डे वाले यूज़ करती थी, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ऐसे में इन्वेस्ट कर लेती हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम तक यू नो बार 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 हर रोज़ चेंज ना करने पड़े, मैं एक ही ले लेती हूँ जो मैं 3 से 6 महीने यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ऑप्टिकल्स की शॉप थी, तो मैंने अपने ब्रदर को बोल दिया कि आप मुझे वहाँ से 3 मंथ्स वाले ला देना। तो उनको नॉलेज नहीं थी, मुझे भी तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने उनको बोल दिया। तो वो गए शॉप पे, तो शॉप कीपर को उन्होंने मतलब वहाँ पे ऑप्टिकल्स वाले जो शॉपकीपर थे उनको उन्होंने बोला कि 3 मंथ्स वाले लेंसेज चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको कहा ये 3 मंथ्स तक चल जाएंगे फ्रेश लुक के, उन्होंने दे दिए। तो वो ले आए, मैंने वो यूज़ करने शुरू करे। मैंने कहा 3 महीने वाले ही है ना, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा कि ये 3 महीने चलेंगे। तो मैंने वो उस पर पता नहीं लिखा हुआ था 1 मंथ के नहीं लिखा हुआ था, मुझे नहीं याद, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है 3 महीने चलेंगे। वो 1 महीने बाद मैंने अप्लाई किया, 1 महीना हुआ था उसको, शायद वो 1 मंथ वाले ही थे इसीलिए। तो 1 महीने बाद ही वो मेरी आँख के अंदर ही लेंस फट गया लिटरली। तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ इस चीज़ से आपको कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आप कभी भी लेंसेज लेने जाते हैं, अगर आपको वो लोग कहते हैं कि 1 महीने वाले लेंसेज 3 महीने चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो कभी भी ऐसे आप भी मेरी तरह पागल ना बने और ना लगाएं। अगर वो 1 महीने वाले हैं तो 1 महीने ही यूज़ करें और उसको डिस्पोज कर दें। और यहाँ तक कि उसके बाद जब मैंने, मेरे को चश्मा लगा हुआ वैसे, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं जैसे शादी का टाइम है तो मैं लेंसेज अप्लाई कर लेती हूँ कि शादी पे भी मेरे काम आ जाएंगे। तो 6 to 8 मंथ्स वाले मैं लेंसेज ले लेती हूँ, शादी पे भी काम आएंगे, उसके बाद भी मेरे काम आ जाएंगे, मुझे चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सेलिब्रेशन के लेंसेज लिए। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल सही बताया, उन्होंने मतलब 8 मंथ्स वाले वो लेंसेज थे, उन्होंने बोला कि 8 मंथ्स से तो के तो ये है, लेकिन ये 6 से 7 महीने ही चलेंगे, ठीक है। और वो वही हुआ, 6 से 7 महीने बाद वो बिल्कुल ऐसे सूख गए थे, मतलब मैंने रखे और वो हार्ड हो जाते हैं थोड़े से ना। तो आप उसको उतना ही टाइम यूज़ करें जितना उसका ड्यूरेशन है। अगर आपको कोई पागल बना रहा है कि ये इतने महीने चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो ये लेंसेज मंगाए हैं इसको मैं अभी ओपन करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे हैं, मैंने भी खोले भी नहीं है, मैं अनबॉक्स ही करूँगी आप लोगों के साथ। खोल के देखते हैं, मैंने आज कुछ मेकअप भी नहीं किया क्योंकि मुझे था कि मैं ये लगा के दिखाऊंगी ना, तो मुझे तो बहुत डर था मेकअप करके भी लेंसेज लगाऊँ ना, मस्कारा वगैरह सब उसी में ही चला जाता है, इसलिए मैंने अभी कुछ भी मेकअप नहीं किया। ओह गॉड, कितना सुंदर बॉक्स है, ये बॉक्स आया है, ठीक है, देख सकते हैं आप इसके अंदर, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, एक कार्ड है कोई, ठीक है, हेलो ब्यूटीफुल ही, थैंक यू डियर सौम्या, ओ दैट्स नाइस, तो बहुत सही है यार, नाइस। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बबल रैप, ओ भाई साहब, ये तो बचपन में ना इतना मज़ा आता था ना इसको फोड़ने में, कौन कौन और मेरी तरह है बताना मुझे, ठीक है। सबसे अमेजिंग ये चीज़ आई है ये अब मैं वीडियो बनाने के बाद खाली टाइम में मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें इसके साथ मिला है एक केस, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। पहले जो मैं लेंसेज लेके आती हूँ उसके साथ केस, वो मर्जी होती है, देते हैं देते हैं, साथ हमें एक केस मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं लेंसेज इस बॉक्स में आए हैं, बहुत ही सुंदर सा ये बॉक्स है। ये मैंने मंगाए हैं जेनिथ 3 कलर, इस मैंने नेचुरल ग्रे कलर मंगाया है। ओह वाह, ये छोटी सी बॉटल्स हैं, इसके अंदर है लेंसेस
तो हम निकाल के देखते हैं। बहुत ही क्यूट सी बॉटल है ये, तो मैं अभी इनको निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। नेचुरल ग्रे मैंने मंगाया है 0.00, क्योंकि मैंने पावर वाले नहीं मंगाए हैं। तो अब हम इनको मैं केस में डाल लेती हूँ, फिर मैं इनका कलर दिखाती हूँ आपको। क्यूट है, बहुत ही क्यूट बॉटल है। खुलिया कैसा? हालत बुरी हो गई यार ये तो खोलने में। ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर ये आ गया है। तो अब इसमें मैंने लेंसेस डाल दी हैं, मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये लेंसेस कैसे दिखते हैं। तो मैं अभी वापस आती हूँ। ओह माय गॉड, इतना सुंदर कलर है ये, इतना सुंदर कलर है। अगर आप लोग नेचुरल ग्रे कहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं ओलेन से। पता नहीं अभी आपको साफ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं अभी आपको बाहर धूप में भी एक बार दिखाऊंगी सनलाइट में ये कैसा लग रहा है। बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर, एकदम से ना फेस का लुक ही चेंज हो जाता है लेंसेज लगाते ही ना। तो ये बहुत ही सुंदर है, और ये मेरे को ना बहुत ही इजीली मैंने अप्लाई कर लिया है। जब मैं फ्रेश लुक के अप्लाई करती थी शायद हम बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, मेरे साथ ही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है जैसे। तो मुझे काफ़ी देर लग जाती है वो अपने आप के ऊपर अप्लाई करने में ना, वो कभी ऐसे मुड़ जाते हैं कभी ऐसे मुड़ जाते हैं, पर ये एक ही बारी में लग गए हैं बस। बहुत ही ईजिली अप्लाई हो गए हैं और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है आईज़ में। और इनका कलर इतना सुंदर है, मैं भी आपको बाहर सनलाइट में भी दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। मैं अभी इसको 1-2 घंटे लगा के रखूँगी, मैंने एक और वीडियो शूट करनी है, तो उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू दूँगी कि ये मुझे उसके बाद कैसा लग रहा है। क्योंकि पहले जो मैंने सेलिब्रेशन के लेंसेज यूज़ करे हैं, फ्रेश लुक के यूज़ करे हैं, वो थोड़ी देर बाद इरिटेट करने लग जाते थे मेरी आईज़ में। पर्सनल मेरा रिव्यू है ये कि मुझे इरिटेट करने लग जाते थे। और अगर मैं धूप में जाती हूँ बाहर कहीं, मैं बाहर पहन लगा के जाती हूँ वो, तो मुझे ना ऐसे जैसे लेंस हार्ड हो जाता है ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि ना मतलब मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, ऐसी फीलिंग आती थी मुझे। तो मैं इसका भी अब आपको 2-3 घंटे बाद जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शूट कर लूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या रिव्यू रहा। ठीक है, तो अभी तो मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको एक बार सनलाइट में दिखा देती हूँ कि इसका कलर कैसा आ रहा है। तो आप ये बाहर देख लो कि कलर कितना सुंदर लग रहा है, इतना नेचुरल कलर है ये। चाहे आपने मेकअप के लिए यूज़ करना है, चाहे आपने डेली वेयर के लिए यूज़ करना है, बहुत ही सुंदर कलर है ये, बहुत ही सुंदर, आई लव इट। तो मैं इसका 2-3 घंटे बाद, मैं 2 से 3 घंटे बाद आपको मिलूँगी और बताऊँगी कि मुझे ये कैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है कलर। तो गाइज मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है, तो मेरे को वीडियो शूट करने में लग गए 3 से 4 घंटे। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, मतलब मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैंने अपनी आईज़ में कुछ भी अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने इनका प्राइस नहीं बताया था आपको, मैं वो भी बता देती हूँ कि ये मुझे 6 मंथ्स वाले ग्रे कलर है इनका, नेचुरल ग्रे। तो ये मुझे पड़े हैं 1950 के विद शिपिंग, वैसे वो 18 कुछ के थे लेकिन मुझे विद शिपिंग वो 1950 के पड़े हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले इनकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि ये कहीं पर भी इधर उधर नहीं हो सकते हैं लेंसेज आपके, जैसे आते हुए जैसे शिपिंग के टाइम या कोरियर के टाइम, मतलब जब कोरियर आपको रिसीव होता है तो उससे पहले वो कुछ टूट टूट नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उन्होंने पैक किया हुआ है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है इसकी बहुत ही इजी है, मतलब बाकी लेंसेज जब मैं अप्लाई करती थी ना, खासकर फ्रेश लुक वाले, वो बहुत ही पतले होते हैं लेंसेज, उनको लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे तो पर्सनली। तो वैसे मैं अगर जैसे मैंने ये वाला अप्लाई किया तो ये एक ही बारी में लग गए बहुत ही ईजीली, ये मुड़ते टूटते नहीं आए इधर उधर, वो वाले बहुत ही ज़्यादा मुड़ते हैं फ्रेश लुक के। और सेलिब्रेशन वाले भी ईजीली लग जाते हैं, बट वो लगाने के बाद 1-2 घंटे बाद ना मुझे थोड़ी इरिटेशन होती थी लगा के, कि पता चलता था आँखों में कुछ लगाया हुआ है। बट ये वाले अब मुझे 4 आवर्स हो चुके हैं लगाए हुए, बट मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा कि मैंने आंखों में कुछ अप्लाई भी किया हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट है, इजी टू कैरी है ये, मुझे सब कुछ ही बहुत ही पसंद आया इनका। मैं इनको A1 रिव्यू दूंगी, मुझे बहुत ही पसंद आए ये। और इनका कलर तो मतलब मैंने जैसे ही अप्लाई किया फेस का लुक ही चेंज हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कलर। और ये मैंने खुद से मंगाए हैं, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो थैंक यू ओलेंस, मुझे मैं डेफ़िनेटली सेकेंड टाइम फॉर श्योर यहीं से ही मंगाने वाली हूँ।
बहुत ही अच्छा कलर है इनका, बहुत पसंद आया मुझे ये। तो आप लोगों का अगर कुछ भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये पहले यूज़ कर रहे हैं, आपका क्या रिव्यू है वो आप मुझे बता सकते हो, मुझे बहुत पसंद आई। सो या तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर करने वाली हूँ ख़त्म। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सो या सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।